दोस्तों, गोंदिया भंडारा जिले के एक ऐसे शासक जिन्हें इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने भोज पर बुलाया था, क्या आपको इस बारे में जानकारी है? एक जमाना ऐसा भी था जब यहाँ हाथी घोड़ों से सज्ज लोधी शासकों की पराक्रमी सेना थी, क्या आपको इस बारे में मालूम है? बहुत से लोगों का जवाब होगा नहीं। दोस्तों, हमने कुंवर तिलक सिंह नागपुरे ये नाम तो सुना होगा, जो काफी दानी स्वरूप के इंसान थे। गोंदिया का शासकीय अस्पताल जिनके नाम से जाना जाता है और जिले के विकास में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उन्हीं के पूर्वजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो इतिहास आज तक किसी को पता नहीं उसी इतिहास को बाहर लाने का हमारे टीम का प्रयत्न है। दोस्तों, बात है 1750 की, जब खंडेराव महाराज पंजाब के लुधियाना से रामटेक और नागपुर आए और मराठा सरदार के भोसलों के विश्वासपात्र बने। उनकी दो संतानें थी, काशी पटेल और दासी पटेल, जिन्हें गोंदिया भंडारा के अनेक गांवों की जहागीरी मिली। काशी पटेल की 7 संतानें थी, जिन्हें मध्य प्रदेश के कुछ गाँवों की जहागीरी मिली तथा उन्हीं के पुत्र नरबत पटेल जिन्हें कामठा, फुलचूर और हिरडा माली की जहागीरी मिली। काशी पटेल की संतानों में नरबत पटेल काफी साहसी और पराक्रमी थे, जिनका जन्म 1818 में हुआ। पूर्व विदर्भ में सेना कार्यवाही में उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाकर अपना वर्चस्व कायम बनाया। उनके बाद उनके सुपुत्र यशवंतराव महाराज ने भी पराक्रम दिखाकर अपना वर्चस्व कायम रखा। साल 1873 को उनको एक बेटा हुआ, जिसका नाम रखा गया राजे राय बहादुर इंद्रराज सिंह नागपुरे, जिन्हें कामठा, फुलचूर और हिडामाली की जमींदारी विरासत में प्राप्त हुई। गोंदिया भंडारा जिले के विकास में राजे राय बहादुर इंद्रराज सिंह नागपुरे का योगदान कभी भी भुलाया जा नहीं सकता, क्योंकि प्राप्त जानकारी के अनुसार गोंदिया में रेलवे स्टेशन का निर्माण भी उन्हीं के वजह से हुआ था। राजा साहब को शिकार का काफी शौक था। अपने जमाने में उन्होंने कई आदमखोर शेरों का व अन्य पशुओं का शिकार किया, जिसकी निशानी आज भी हिरडा माली के महल में देखने को मिलेगी। आज भी उनके जमाने के हथियार और अस्त्र शस्त्र को संभाल कर रखा है। आइए देखते हैं। अभी जो आप यहाँ पे अस्त्र शस्त्र देख रहे हैं, यह सभी अस्त्र शस्त्र कामठा के बाड़े में काफ़ी अच्छे ढंग से नापरे परिवार द्वारा सहजा गया है। आप जो यह शस्त्र देख रहे हैं, यह शस्त्र फरसा कहलाता है। आपने धार्मिक कथाओं में देखा होगा, परशुराम जी के हाथ में जो शस्त्र रहता है वह यही फरसा है। आप देख रहे हैं, इसकी धार अभी भी वैसी है जैसी उस समय थी। उसी प्रकार रामायण महाभारत के टीवी सीरियल्स में आपने तीर कमान देखे होंगे, आपको यह तीर कमान और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन परिवार द्वारा यह तीर कमान काफ़ी अच्छे ढंग से सहेजा गया है। इसमें देखिए हल्दी कुंकू की निशान भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि क्षत्रियों की परंपरा होती है कि दशहरे में शस्त्र पूजा की जाती है, तो प्रतिवर्ष काफ़ी उत्साहपूर्वक परिवार द्वारा इन अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है। एक विशेष बात और कि हमारे पूर्वज कुंवर तिलक सिंह जी काफ़ी दानवीर प्रति के थे। उन्हीं की स्मृति में रानी उमा देवी ने गोंदिया शहर के मध्य सिख समाज के धार्मिक स्थल गुरुद्वारे के लिए जमीन डोनेट करी थी। और जो यह आप कौचा देख रहे हैं, यह कौचा चांदी का बना हुआ है और यह कौचे में डेट लिखी हुई है 12 जनवरी 1943, जब फाउंडेशन स्टोन रेलतुली की गुरुद्वारे का रखा गया था, तब पहला पत्थर कुंवर तिलक सिंह जी की धर्मपत्नी रानी उमा देवी जी के द्वारा इसी कौचे की सहायता से रखा गया था। और यह कौचा श्री गुरु द्वारा कमेटी गोंदिया द्वारा रानी उमा देवी को भेंट स्वरूप प्रदान किया गया था।
तो आप यह पौचा भी यहाँ पर देख सकते हैं। टोके खेलने की एयरगन है, आज भी इसमें लोड होती है। का स्वरूप दिया गया। और तीनों तरफ से सुरक्षा हेतु गहरी खाई थी। सेना यहाँ पर रहकर पूरी हलचल पर नजर रखती थी। जोकर रखा है। पुराने जमाने के पंखे, फर्नीचर और अन्य सामान को भी संभाल कर रखा है, क्योंकि आने वाले पीढ़ियों को इतिहास की जानकारी रहे। इन चीजों को देखकर हम समझ सकते हैं कि उस जमाने में भी यह सब साहित्य उपयोग में लाया जाता था। अब हम चलते हैं फुलचूर। फुलचूर महल को निवास स्थान के लिए उपयोग में लाया जाता था। ये भी काफी भव्य और सुरक्षा को ध्यान कर रखकर बनाया गया है। इसके चारों ओर लंबी दीवारें बनाई गई। महल के पीछे एक तालाब है जिसका भी बेहद रोचक इतिहास है। इस महल में हाथी रहते थे तो उन्हें पीने के लिए पानी और नहाने के लिए उसी तालाब में ले जाया करते थे। जिस द्वार से इन हाथियों को ले जाया करते थे उसी द्वार को आज भी हाथी द्वार के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ उस जमाने की लग्जरी गाड़ी भी है जिससे राजा साहब घूमते थे। दोस्तों, जब राजे राय बहादुर इंद्रराज सिंह नागपुरे रानी विक्टोरिया के निमंत्रण पर भोज करने हेतु इंग्लैंड गए थे, तब रानी ने उन्हें बेहद ही सुंदर सा उपहार। राय बहादुर इंद्रराज सिंह जब पूरे जमींदारों का बुलावा हुआ था, जब इंग्लैंड गए थे, माननीय विक्टोरिया ने बुलाई थी, ये राजा इंद्रराज सिंह जो है ये इंग्लैंड गए थे, वहाँ उनकी मीटिंग हुई थी। उसके बाद में फिर वहाँ पर माननीय विक्टोरिया ने प्रेजेंट दी, तो राजा साहब ने बोले कि मेरे को इसे गिफ्ट नहीं होना, प्रेजेंट नहीं होना, ऐसी कोई चीज़ दो
कि मैं अपने क्षेत्र में ले जाके अपने गांव में ले जाके दिखाऊं। तो ये जो फानूस है ये महारानी विक्टोरिया ने प्रेजेंट की थी वहाँ पे कैंडल वाला है ये। और जब भोजन हुआ था तो महारानी विक्टोरिया की बाजू वाली चेयर में बैठ के राजा इंदिरा सिंह ने भोजन किया था। तो यह था फुलचूर महल। अब हम चलते हैं हिरडामाली। जहाँ पर भी भव्य ऐतिहासिक महल है, राजे राय बहादुर के नाम पर स्कूल भी चलाई जाती है। उस जमाने के अस्त्र शस्त्र और राजा साहब के शिकारों की निशानी आज भी हिरडाबाली के महल में हमें देखने को मिलेगी। उन्हीं के वर्तमान वंशज अस्त्र शस्त्रों की जानकारी देने जा रहे हैं। आप मेडल मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह मेडल है केसर हिंद मेडल। जैसी वर्तमान समय में आज का पद्म विभूषण अवार्ड होता है, उसी प्रकार ब्रिटिश शासनकाल में समाज सेवा करने हेतु यह सर्वोच्च पुरस्कार था केसर हिंद मेडल, जो कि राजे राय बहादुर इंदिरा सिंह जी नागपुरे इन्हें ब्रिटिश शासन द्वारा प्राप्त हुआ। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आप यह जो मेडल देख रहे हैं, यह मेडल्स राय बहादुर की उपाधि जिन्हें प्राप्त होती है, ऐसे महापुरुषों को यह मेडल मिला करता था। और उसका क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार था कि जिन्होंने समाज सेवा की है और शासन में उनका योग्य रहा है, ऐसे लोगों को ही यह पुरस्कार यह मेडल मिला करता था। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत सारे मेडल्स रखे गए हैं। सभी मेडल्स पीतल के और तांबे के बने हुए हैं, जो कि रिंग के रूप में है। आप देख रहे हैं रिंग के रूप में है और इन्हें अपनी उंगलियों में पहना जा सकता है। और इन सभी के ऊपर में यह राज मुद्राएं हैं, इस स्टम्प्स है, और इसका उपयोग शासकीय कामों में किया जाता है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आप देख रहे हैं यह पीतल के स्टम्प्स। यह सभी मेडल्स, ये सभी स्टम्प्स पीतल के बने हुए। यह जो चिन्ह देख रहे हैं, यह पीतल का बना हुआ कामठा रियासत का राज चिन्ह है। पूरे मध्य
कौवा है ये, इसका वर्क आप देखेंगे चांदी से है, चांदी का बना हुआ है। और इसके बाद ये आप देख रहे हैं, इसको तलवार की बचाव के लिए उपयोग किया जाता था, इसको इस तरीके का पहना जाता था, से नान पट्टा भी कहते हैं, जो कि घोड़े के ऊपर बैठ के जो सिपाही लोग रहते थे उसको मारते थे, उसको भी हाथ में इसे सुनना पड़ता है। हम लोग आप देखेंगे, हम लोग हीरामानी जमींदारी हैं, जो हमारे दादाजी के नाम से जो पावती निकलती थी जो कर वसूली वगैरह की जमींदारी की, उस समय की ये पावती है। तो ये देखिए यहाँ पर सब लोगों के नाम और देवरी तक के इसका पूरा पावती का जो हमारा वसूली आती थी, वो सब चीजें। दोस्तों, इसी नागपुरी परिवार में गिरजा शंकर नागपुरी का भी जन्म हुआ, जो गोरेगांव विधानसभा से दो बार विधायक रहे। अपने राजनीतिक रुतबे के लिए वो पहचाने जाते थे। दोस्तों, नागपुरी परिवार द्वारा जिले में बहुत से जनकल्याणकारी काम किए गए। कुंवर तिलक सिंह नागपुरी के पश्चात उमा देवी द्वारा गोंदिया शहर के मध्य 10 एकड़ जमीन दान दी गई, जहां आज जिला रुग्णालय है। गौशाला हेतु गोंदिया शहर के निकट ही 34 एकड़ जमीन दान दी गई। लोधी जमींदार के अनुशया पर ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बिरसी हवाई अड्डे का निर्माण किया गया, जहां 480 एकड़ जमीन दान और संग्रहित की गई। कृषि विकास हेतु 80 एकड़ जमीन दान दी गई, जहां आज भी पुलिस मुख्यालय स्थित है। शिक्षा के विकास हेतु अनेकों गाँवों में स्कूलों महाविद्यालयों के लिए भूमि दान भी दिया गया। गोंदिया शहर के रेलटोली परिसर में सिख बंधुओं के लिए गुरुद्वारे के लिए भी जमीन दान दी गई। फुलचूर में भव्य राम मंदिर बनाने के लिए भी बहुत सी जमीन दान दी गई तथा आर्थिक सहायता भी की गई। और ऐसे अनगिनत कार्य नागपुरी परिवार द्वारा जन कल्याण के लिए किए गए।